हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय थ्रेड क्राफ्ट। आज मैं आपको तोरण बनाना बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं तोरण बनाई हूँ, गोल्ड फिश में बनाकर तोरण बनाई हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है तोरण, और इसकी डिजाइन बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से बना सकती हैं। तोरण बनाकर आप अपने घर में डेकोरेट कर सकती हैं या फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकती हैं। ये तोरण के लिए मैं देखिए जो पट्टी है, सबसे पहले मैं पट्टी में बनाना बताऊंगी। देखिए ये तोरण की मैं पट्टी में बनाई हूँ टू कलर में। तो पहले ये तोरण की पट्टी में बनाना बताऊंगी। तो देखिए पहले व्हाइट कलर का ऊन लूँगी, और ये जो बीच वाला जो पार्ट है वो मैं पहले बनाऊँगी। और 2 mm की मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ, उनके थिकनेस के अकॉर्डिंग आप क्रोशिया यूज करें। तो देखिए पहले इस तरह से मैं गांठ लगा लूँगी, इसके बाद मैं 4 चैन बना लूँगी। इसके बाद देखिए क्रोशिए पर इस तरह से 2 पर धागा लेते हुए 1st चैन में क्रोशिए डालूँगी जहाँ से मैं स्टार्ट की थी, और इस तरह से मैं ट्रिपल क्रोशिए बना लूँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद मैं 4 चैन बनाऊँगी। इसके बाद देखिए क्रोशिए पर 2 बार धागा लेते हुए सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिए डालूँगी, और देखिए इस तरह से मैं ट्रिपल क्रोशिए बनाऊँगी। देखिए इस तरह से लूप्स बन रही है। 1 चैन बनाऊँगी, और इसके बाद देखिए जो क्रोशिए पर धागे है इसको मैं खींच के इस तरह से ढीली कर लूँगी मैं। और देखिए सर्कल में जो इस तरह से सर्कल बनाई हूँ इसमें मैं क्रोशिए डालूँगी, और इस तरह से 8 बार में उठाऊँगी 8 फंदा। देखिए इस तरह से, देखिए 2 में उठा ली हूँ, 3 4 5 6 7 8। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं क्रोशिया डालूँगी 1 बार, और मैं इस तरह से उठा लूँगी, और इसके बाद इसे मैं थोड़ी थोड़ी धागे छोड़ते हुए मैं 6 बार में इसे मैं बंद करूँगी। जो क्रोशिए पर धागे दिख रही है 6 बार में इसे देखिए थोड़ी थोड़ी करते हुए मैं बंद कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं 1 चैन बना लूँगी, और इसे मैं पलट लूँगी इस तरह से। इसके बाद देखिए सेम उसी तरह से 8 बार मैं उठाऊँगी डबल क्रोशिए। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्रोशिया डाल के 1 बार और उठा लूँगी, और इसे भी मैं थोड़ी थोड़ी धागा छोड़ते हुए मैं 6 बार में इसे बंद कर लूँगी। एलिप्स की तरह शेप बनेगी। देखिए इस तरह से बन गई है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके बाद देखिए 4 चैन बनाऊंगी मैं, और क्रोशिए पर 2 बार धागा लेते हुए देखिए 1st चैन में क्रोशिए डालूंगी जहाँ से मैं स्टार्ट की थी। इसके बाद देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिए बना लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद मैं 4 चैन बनाऊँगी, इसके बाद ये क्रोशिए पर 2 पर धागा लेते हुए यहाँ पर इस तरह से मैं क्रोशिए डालूँगी और ट्रिपल क्रोशिए बना लूँगी। जैसे कि 2 लूप्स में बनाऊँगी तो 1 लूप्स इसे मैं देखिए छोड़ दूँगी, और ये वाला लूप्स में डिजाइन बनाऊँगी। देखिए 1 चैन बनाने के बाद क्रोशिए पर देखिए कि धागे जो है उसको मैं ढीली कर लूँगी, जैसे कि मैं 1st पैटर्न बनाई हूँ सेम उसी तरह से 2nd पैटर्न भी बना लूँगी। देखिए क्रोशिए पर जो धागे उसको ढीली करके मैं 8 बार में इस तरह से डबल क्रोशिए में उठा लूँगी 8 फंदा।
इसके बाद देखिए थोड़ी थोड़ी धागा छोड़ते हुए मैं 6 बार में इसे मैं बंद कर लूँगी। और फ्रेंड्स मैं बहुत सारे फ्लावर बनाकर वीडियो मैं अपने चैनल में डाल रखी हूँ, तो प्लीज़ आप जाकर ज़रूर देखें। इसके बाद देखिए 1 चैन में बनाने के बाद देखिए दूसरी साइड से मैं पलट लूँगी और सेम उसी तरह से 8 डबल क्रोशिया उठा लूँगी। इसके बाद देखिए थोड़ी थोड़ी धागा छोड़ते हुए मैं 6 बार में इसे बंद कर लूँगी। जैसे कि फर्स्ट पैटर्न में मैं बनाई हूँ, सेम उसी तरह से सेकंड पैटर्न बन रही है और सेम इसी तरह से मैं दरवाजे की चौड़ाई के अकॉर्डिंग में बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से लंबे देखिए इस तरह से पैटर्न बन रही है। सेम इसी तरह से मैं पूरे कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से बन रही है, इसी तरह से बना के इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। मैं अपने दरवाजे के चौड़ाई के अकॉर्डिंग में बना ली हूँ। इसके बाद ये उनको मैं कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद मैं देखिए यहाँ पर मैं दूसरी कलर ऊन में ज्वाइन कर लूँगी। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लूप्स में और इस तरह से मैं गांठ लगा लूँगी। इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3। इसके बाद देखिए इस तरह से डबल क्रोशिए में इसमें मैं क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से 6 फंदा में उठाऊँगी, 1 2 3 4 5 6। और इसे एक बार मैं इसे निकाल लूँगी, ये पफ की तरह डिजाइन बनेगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं 4 चेन बनाऊँगी। और ये देखिए चेन की तरह जो डिजाइन दिख रही है इसमें इस तरह से मैं देखिए बीच में मैं क्रोशिया डालूँगी। इसे मैं 6 बार में बंद की थी, तो धीरे धीरे दोनों साइड छोड़कर बीच में मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं 4 चेन बनाऊँगी और देखिए बीच में मैं 1 लूप्स में छोड़ी हूँ, इसमें मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से 6 फंदा उठा लूँगी डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और एक साथ इसे निकाल लूँगी मैं। देखिए इस तरह से बन रही है। बीच में मैं 1 लूप्स में छोड़ी हूँ सर्कल की छोटी सी शेप, उसमें मैं इस तरह से 1 पफ बनाऊँगी। इसके बाद देखिए 4 चेन बनाने के बाद देखिए इसे मैं 6 बार में बंद की थी, तो बीच में मैं क्रोशिया डालूँगी, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन कर लूँगी। 4 चेन बनाऊँगी तो देखिए इस तरह से बन रही है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी और सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी बना लूँगी। तो मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों साइड से बनाकर मैं कंप्लीट कर ली हूँ। जैसे कि मैं एक साइड बनाई थी सेम उसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं बना ली हूँ। देखिए इस तरह से डिजाइन बन गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि एक साइड बनाई हूँ सेम उसी तरह से दूसरी साइड से बना लूँगी। देखिए पहले 4 चैन बना लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं क्रोशिया डालूँगी और सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद मैं 4 चैन बनाऊँगी और देखिए यहाँ पे पफ के पास मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए जो मैं सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन की थी बीच में, वहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। दोबारा सेम उसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी और देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से मैं 2 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। सेम इसी तरह से मैं 8 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लूँगी जहाँ पे मैं बीच में लिप्स में सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन की थी उसी जगह पर इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स 8 डबल क्रोशिया मैं बना ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए ये पफ बनाई हूँ मैं, पफ के बीच में इस तरह से मैं क्रोशिया डालूँगी और सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए दूसरे पैटर्न में क्रोशिया डालूँगी और सेम उसी तरह से मैं 8 डबल क्रोशिया बना लूँगी जैसे कि मैं फर्स्ट पैटर्न में बनाई हूँ। यहाँ पे भी मैं 8 डबल क्रोशिया बना ली। देखिए 8 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाकर मैं ज्वाइन कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पैटर्न बन रही है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि मैं एक साइड से बना रही हूँ सेम उसी तरह से दूसरी साइड से भी बनेगी। तो दोनों साइड से इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी। अरे देखिए 4 चैन में मैं बनाई हूँ, चैन में भी इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया दोनों साइड से बना लूँगी। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ मैं दोनों साइड से। देखिए फ्रेंड्स मैं दोनों साइड से बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई है डिज़ाइन। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है तोरण की पट्टी। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 4 चैन में बनाई हूँ तो 4 चैन में भी 8 डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए पफ में मैं पहले क्रोशिया डालूँगी, सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए ये चैन बना के मैं लूप्स बनाई हूँ तो इसमें मैं क्रोशिया डालूँगी, 8 डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स 8 डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद देखिए बीच में ज्वाइन की हूँ, वहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी और सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर लूँगी बनाकर। इसके बाद देखिए दूसरी चैन में मैं क्रोशिया डालूँगी, 4 चैन बनाकर मैं इस तरह से स्पेस दी हूँ, इसमें मैं क्रोशिया डालूँगी, इसमें भी 8 डबल क्रोशिया बनाकर मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स ये डबल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी पफ के पास
और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइंट कर लूँगी। वन चेन बनाकर उनको मैं कट कर लूँगी। ये तोरण मेरा पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से आएगी। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से मैं बनाई हूँ। ये जो धागे दिख रही है इसको मैं बैक साइड से अंदर करके मैं फिनिशिंग कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तोरण की पट्टी पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं इसमें लरी के लिए मैं डिजाइन बनाऊंगी। तो मैं गोल्ड फिश वाले तोरण बनाई हूँ, तो पहले इसमें गोल्ड फिश बनाऊंगी, इसके बाद लरी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं देखिए लाइट ब्लू कलर के ऊन ली हूँ। ये 2 प्लाई की ऊन है, बहुत पतली है इसलिए मैं डबल करके बना रही हूँ। आप 4 प्लाई के ऊन से बना सकती हैं। और मैं ये ऊन से इसलिए बनाती हूँ क्योंकि इसमें रेशे नहीं होती हैं, बहुत ही अच्छी बनती हैं। पहले देखिए इस तरह से गांठ लगा लूँगी, इसके बाद मैं 3 चैन बना लूँगी, इसके बाद देखिए इस तरह से कुर्सी पट्टू पर धागा लेते हुए फर्स्ट चैन में कुर्सी डालूँगी जहाँ से मैं स्टार्ट की थी, और इस तरह से ट्रिपल कुर्सी बना लूँगी। ये गोल्ड फिश के वीडियो मैं पहले भी बना के मैं डाली हूँ मैं अपने चैनल में, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकती हैं, यहाँ पे भी सीख सकती हैं। इसके बाद देखिए 1 चैन बनाऊँगी, इसके बाद धागे जो कुर्सी पर है इसको मैं ढीली कर लूँगी, और इस तरह से मैं कुर्सी पर धागा लेते हुए मैं 8 डबल क्रोशिया उठा लूँगी, इस तरह से 8 फंदा। देखिए इसके बाद मैं देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े धागे छोड़ते हुए बंद करूँगी। देखिए 1 2 3 3 बार मैं इसे मैं बंद कर लूँगी थोड़े थोड़े धागा छोड़ते हुए। इसके बाद देखिए इस तरह से मैं पलट लूँगी, और सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं 8 डबल क्रोशिया उठा लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद इसको 3 बार में थोड़े थोड़े धागा छोड़ते हुए मैं बंद कर लूँगी। 1 2 3। इसके बाद देखिए क्रोशिया पे 2 धागे ऐसे भी इस तरह से बंद कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरी कलर उनमें ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पर देखिए वाइट कलर का मैं ऊन ज्वाइन की हूँ, देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए जो क्रोशिया पर धागे है इसको मैं खींच के इस तरह से ढीली कर लूँगी, और सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी। और इस तरह से देखिए फंदा उठाऊँगी मैं डबल क्रोशिए। देखिए 1 2 3 4 5 देखिए मैं इसमें 4 बार में उठाई हूँ। 1 मैं पहली बार में उठाई थी तो पूरी 5 हो गई है। इसके बाद देखिए सेकेंड लूप्स में मैं क्रोशिया डाल रही हूँ चैन में, और सेकेंड चैन में भी मैं 4 बार उठा लूँगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए थर्ड चैन में मैं क्रोशिया डालूँगी और 4 बार उठा लूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद मैं इसे में थोड़े थोड़े धागे छोड़ते हुए बंद कर लूँगी। देखिए 1 2 3 4 5
सिक्स बार में इसे मैं बंद कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद इसे मैं पलट लूँगी। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी उठाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं सेम जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से पहले वन फंदा उठा लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये थ्री चेन जो दिख रही है धागे, इसमें मैं क्रोशिया डालूंगी। जैसे कि मैं एक साइड से उठाई हूँ, देखिए इस तरह से धागे दिख रहे हैं, इसमें मैं क्रोशिया डालूँगी और फोर बार मैं उठा लूँगी, फोर डबल क्रोशिया। देखिए मैं पूरी मैं उठा ली हूँ। इसके बाद देखिए सेम जैसे एक साइड में बनाई थी, सेम उसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं बना ली हूँ। इसके बाद देखिए मैं ब्लू कलर का ऊन यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। इसके बाद मैं टेन चैन में बना लूँगी। इसके बाद देखिए सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी जहाँ पे मैं ज्वाइन की थी ब्लू कलर का ऊन। इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं टेन चेन में बनाऊँगी। और सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं टेन चेन में बना लूँगी। सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं ज्वाइन करूँगी। इसके बाद मैं सिक्स चेन बनाऊँगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और देखिए यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। आप जरूरी नहीं कि आप सिक्स चेन बनाएंगी, आपको इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग आपको चेन बनानी होगी। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो सेवन भी चेन बना सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एट चेन बनाऊँगी और सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी, स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं एट चेन बनाऊँगी। दोबारा सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी, स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से फिश की टेल बन रही है। इसके बाद वन चेन में बनाऊंगी। अरे जो देखिए कुर्सी पर धागे, इसको मैं ढीली कर लूँगी। ये जो वाइट कलर का जो पैटर्न बनी है, इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग में ढीली करके इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी ये दोनों कलर के बीच में कुर्सी डालकर। इसके बाद मैं कुर्सी पर देखिए धागा है, उसको मैं ढीली कर लूँगी और यहाँ पर कुर्सी डालूँगी और इस तरह से सिंगल कुर्सी ज्वाइन कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसके बाद मैं फोर चेन बनाऊंगी। और देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं क्रोशिया डालूंगी, स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए दोबारा सेम जगह क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से निकाल लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं फोर चेन बना लूँगी, वन टू थ्री फोर। और देखिए सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी फर्स्ट चेन में और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद वन चेन बना लूँगी। इसके बाद देखिए क्रोशिया पे जो धागे हैं, इसको मैं ढीली कर लूँगी। जैसे कि एक साइड में बनाई थी, सेम उसी तरह से दूसरी साइड बना लूँगी। तो दोनों कलर के बीच में इस तरह से क्रोशिया डालूँगी और निकाल लूँगी मैं। इसके बाद वन चेन बनाऊँगी और ये जो क्रोशिया पर धागे हैं, इसको मैं ढीली कर लूँगी। और देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी वाइट कलर का जो पैटर्न है उसमें, और सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन कर लूँगी।
इसके बाद मैं यहाँ पर 8 चेन बना लूँगी और सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइंट कर लूँगी। दोबारा 8 चेन में बना लूँगी और सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी, स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं ज्वाइंट कर लूँगी। इसके बाद मैं 6 चेन बना लूँगी और देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूँगी बीच में और इसे मैं देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर लूँगी स्लिप स्टिच बनाते हुए। इसके बाद यहाँ पे 1 चेन बनाकर ये उनको मैं कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से गोल्ड फिश बन गई है। इसके बाद वाइट कलर का जो ऊन है इसे भी कट कर लूँगी और सारे ऊन को मैं फिनिशिंग कर लूँगी। यहाँ पर देखिए अच्छे से गांठ लगाकर मैं फिनिशिंग कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स से फीस को मैं पूरी फिनिशिंग कर ली हूँ। इसके बाद मैं इसे आई में बना लूँगी। तो देखिए गोल्डन कलर का मैं मोती ली हूँ। फीस की आई जो है गोल्डन फीस की चमकीली होती है, इसीलिए मैं गोल्डन कलर का मैं मोती ली हूँ जिससे कि साइन आएगी। और देखिए जो मोती है, मैं मोती में बीच में जो हॉल है इसको मैं ऊपर रखूँगी जिससे कि ब्लैक कलर का दिखेगी आई। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं ग्लू गन लगा के इसे मैं चिपका लूँगी। देखिए हल्की सी बीच में मैं ग्लू गन लगा लूँगी। ऐसे मैं चिपका लूँगी। मोती में बीच में हॉल है उसको मैं ऊपर रखूँगी तो देखिए इस तरह से आएगी। देखिए दोनों साइड से दिख रही है। तो देखिए गोल्ड फिश पूरी कंप्लीट हो गई है। तो सेम इसी तरह से मैं गोल्ड फिश देखिए मैं 3 कलर में मैं बनाई हूँ, ऑरेंज और वाइट, लाइट ब्लू और वाइट, और लाइट ब्राउन और वाइट। 3 कलर में मैं फिश में बना ली हूँ। इसके बाद मैं लरी बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं बीच में क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से उनमें ज्वाइंट कर लूँगी। इसके बाद मैं 10 चेन बनाऊंगी इसके बाद देखिए फर्स्ट सेकेंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से मैं 1 2 3 4 फंदा इस तरह से उठा लूंगी। इसके बाद देखिए जो कुर्सी पर आ गए इसको मैं एक बार में इस तरह से निकाल लूँगी, पफ की तरह डिजाइन बनाऊँगी छोटी छोटी। देखिए इस तरह से बनेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन बनाने के बाद फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर थर्ड चेन में कुर्सी डालूँगी और सेम उसी तरह से 4 फंदा उठा लूँगी। इसके बाद इसे एक साथ निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद उनको मैं कट कर लूँगी, थोड़ी सी लंबी करके कट करूँगी जिससे कि मैं पैटर्न तोरण के पट्टी में मैं ज्वाइंट करूँगी।
देखिए इस तरह से बन गई है। ये जो धागे है इसको मैं अंदर कर लूँगी। देखिए इस तरह से बन गई है गोल्ड फिश। तो इस तरह से मैं लरी बनाऊंगी। देखिए इसी तरह से मैं सारे लरी बना लूँगी। थोड़ी सी मैं लंबाई बढ़ाते हुए लरी बना लूँगी, जैसे कि इसमें मैं 2 पफ बनाई हूँ, दूसरी में 3 बनाऊँगी, 4 बनाऊँगी, 5, इस तरह से पफ में बढ़ाते जाऊँगी तो लरी थोड़ी सी लंबी बढ़ते जाएगी। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से आएगी है। इसे आप ध्यान रखिए, जैसे कि देखिए आई जो है फिश की और टेल, देखिए इसमें मैं इधर से बनाई हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ से मैं दूसरी फिश में यहाँ से लरी बनेगी। इसी तरह से बनाते हुए सारे लरी में बनाकर मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे लरी में इस तरह से बनाकर मैं तोरण के पट्टी में मैं सिर्फ फंसाई हूँ, ज्वाइंट नहीं की हूँ। देखिए इस तरह से, ताकि मुझे आपको दिखाने में इजी हो। तो देखिए इस तरह से मैं सारे लरी ज्वाइंट कर ली हूँ। देखिए सारे लरी में बड़ी बनाते गई हूँ, तो आपको जितनी बड़ी लरी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकती हैं। और बीच में जो देखिए ऑरेंज कलर का जो फीस है, इसमें मैं लरी नहीं बनाई हूँ, ऐसी डायरेक्ट धागा से मैं ज्वाइंट कर लूँगी। तो देखिए ऑरेंज कलर का जो फीस है वो सिर्फ मैं 4 फीस में बनाई हूँ। ऑरेंज कलर का मैं 4 फीस बनाई हूँ और ब्लू कलर का जो फीस है वो मैं पूरी 16 फीस में बनाई हूँ। और ब्राउन और वाइट कलर का जो फीस है वो मैं 14 फीस में बनाई हूँ गोल्ड फीस। और देखिए इस तरह से मैं लरी बनाई हूँ। थोड़ी सी मैं लंबाई बढ़ाते हुए मैं लरी को फिर से बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए पूरी मैं इस तरह से मैं आपको रख कर मैं दिखाई रही हूँ, ताकि आप देखकर अच्छे से समझ सकेंगे तो कि लरी किस तरह से मैं बनाई हूँ। तो सेम इसी तरह से देखिए सारे मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। देखिए देखिए तोरण की पट्टी पूरी कंप्लीट, तोरण की पट्टी और तोरण मैं दोनों बनाकर मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है तोरण, ये डिजाइन बहुत ही अच्छी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें बनाए। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहती हैं प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू, बाय।